राजनीतिक ताकत के आगे किस तरह से एक लड़की की न्याय की गुहार दम तोड़ देती है, इसका जीता जागता उदाहरण उन्नाव में दिखाई पड़ा। एक लड़की जो 2 साल से अपने साथ हुए अन्याय के लिए लड़ाई लड़ रही है, एक लड़की जो बीते 2 साल से अपने न्याय की लड़ाई लड़ रही है, वो वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। शासन और प्रशासन दोनों के खिलाफ जिस लड़की की लड़ाई है, उसका हाल कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद देश की हर महिला यह सोच रही है कि अगर खुद के साथ कुछ गलत हो, उसके लिए आवाज उठाएं या ना उठाएं। बचपन से ही लड़कियों को यह सिखाया जाता है कि अगर आपके साथ कभी कोई गलत हरकत हो तो अपनी आवाज को दबाकर मत रखो, अपनी आवाज को ताकत बनाओ और यहां पर न्याय के लिए लड़ाई लड़ो। लेकिन उन्नाव में जो कुछ भी उस लड़की के साथ हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं देश की हर महिला ये सोच रही है कि अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ और हमने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने की कोशिश की, तो कहीं अपनों के साथ हमसे भी छूटते ना चले जाएं। खैर, इस खास पेशकश में जिसका नाम है जनता की आवाज, आज उन्नाव कांड को लेकर देश की जनता क्या कह रही है, इसी मुद्दे पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। देश की जनता की आवाज को उठाने वाले हैं, वो आवाज जो शायद आज सत्ताधारी पार्टी सुनना नहीं चाहती, क्योंकि आवाज उन्हीं के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, 2017 में उन पर दुष्कर्म का आरोप लगता है। लड़की न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते आज वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। बीते कल पीड़ित की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई, निमोनिया का शिकार वो हो गई है, जिसे नियंत्रित करने के लिए प्रयास जारी है। हालत गंभीर बनी हुई है, हालत में कब सुधार आएगा इसके आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे। चिकित्सकों की टीम कुछ भी कह देने से बचती हुई दिखाई पड़ रही है। सबकी खामोशी यहां पर सही जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसदों की खामोशी चुभ रही है। भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसदों की खामोशी देश की जनता के जहन में आक्रोश को जन्म दे रही है, और देश की जनता यह सवाल कर रही है कि अगर एक महिला सांसद चुप रहेंगी तो बाकी किसी से क्या उम्मीद करेंगे। अगर एक लड़की के दर्द को, जिसने पहले अपनी आबरू खोई, अपने पिता को खोया, अपनी चाची को खोया, मौसी को खोया, अपने परिवार को बिखरते हुए देखा, अगर उस लड़की के दर्द को देश की महिला सांसदें नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा। ये सवाल यहां पर जनता की आवाज में आज उठाने जा रहे हैं। कुछ खास मैसेजेस हमें मिले हैं और इन संदेशों में सिर्फ गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसदों को लेकर, जिनमें मेनका गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के नाम शामिल है। बुरी तरह फंस चुके हैं ये सोशल मीडिया पर, क्योंकि 3 तलाक पर ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाते हैं और उन्नाव कांड पर खामोशी साधते हैं, क्योंकि 3 तलाक की लड़ाई विपक्ष से लड़नी थी और उन्नाव कांड की लड़ाई अपनी ही सरकार के खिलाफ। तो ऐसे में क्या कुछ जनता की आवाज कहती है, इस पर नजर डालते हैं। उमा देवी हैं सबसे पहले जिनके मैसेज को आप इस वक्त स्क्रीन पर देखेंगे, इनके मैसेज को पढ़ेंगे। ये मैसेज स्मृति ईरानी के लिए इन्होंने किया है और लिखा है इन्होंने, स्मृति ईरानी ने रमा देवी ने आजम खान के लिए माफी मंगवाई थी, वो दूसरी पार्टी के थे, लेकिन कुलदीप इनकी पार्टी के हैं तो इन लोगों के मुंह बंद है। स्मृति ईरानी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, ये महिला की रक्षा नहीं कर सकती, इनकी जितनी थू-थू की जाए सब कम है। उमा देवी के मैसेज से आप साफ देख सकते हैं कि कितना ज्यादा गुस्सा इनके जहन में भरा हुआ है, कितने ज्यादा नाराज हैं ये स्मृति ईरानी से, जिनके पास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की कमान है। अगर वो ही शांत रहेंगी, वो ही किसी महिला के दर्द को नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा, ये सवाल उमा देवी ने किया है। यूनित तिवारी, बच्चन तिवारी ने लिखा है, समस्त मोदी योगी भाजपा पार्टी को डर है कि कहीं पार्टी के साथ भी हादसा ना हो जाए। दूसरा, जो 55 ठाकुर विधायक हैं, वो विरोध ना कर दे, सीएम से लेकर मंत्री विधायक अध्यक्ष तक ठाकुर हैं, पैसा है, एकजुट है, इसलिए सरकार डर रही है। आग लगती है तो लगने दो, ये आग हमने ही लगाई है, लड़की मरनी है तो मरने दो, ये अपनी ही खुदाई है। 4 लाइनों में और एक शेर के साथ इन्होंने अपनी बात को खत्म कर दिया और कई तरह के सवाल मोदी योगी सरकार पर इन्होंने खड़े किए हैं। कहा है कि सब जातिवाद की राजनीति है, कहीं अगर कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ
कदम उठाएंगे तो 55 विधायक पार्टी से खफा ना हो जाएं। फंडिंग कहां से आएगी, ये आग इन्होंने लगाई है। कोई मरता है तो मरने दो, ये इनकी ही खुदाई है। यकीनन अगर ऐसी ही राजनीति करनी है तो इस तुच्छ राजनीति से इंसानियत शर्मसार होती है, और ऐसे नेताओं को राजनीति करता देखकर, सत्ता पर बैठा देखकर हमारी आंखें भी शर्मसार होती हैं। नीतीश विश्वास लिखते हैं, लॉस्ट फेथ ऑन स्मृति ईरानी एंड अपॉर्चुनिस्ट, यानी स्मृति ईरानी से इन्होंने अपना विश्वास खो दिया है, विश्वास खोए भी क्यों ना। अनिल सिंह लिखते हैं, ये भाजपा के दोगलेपन चेहरे का प्रतिनिधित्व करने वाली है। हालांकि इन्होंने कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, उन अपशब्दों को हम नहीं दोहराना चाहेंगे क्योंकि अगर हम भी ऐसा ही करेंगे तो हम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा, लेकिन अपशब्द निकल कर सामने आ रहे हैं क्योंकि जनता के जहन में गुस्सा है, जनता के जहन में सवाल है। सवाल ये कि क्यों महिला सांसद चुप है, क्यों महिला सांसद अपनी ही पार्टी के विधायक के खिलाफ कुछ भी बोलने से बच रही है, क्यों इन्हें उन्नाव की पीड़िता का दर्द महसूस नहीं हो रहा जिसे फिलहाल पूरा देश महसूस कर रहा है। बेबी कौर लिखते हैं, स्मृति ईरानी के वैसे तो बहुत जबान चलती है, अब उन्नाव केस में बोलती कैसे बंद हो गई, यानी विपक्ष पर तंज स्मृति ईरानी जमकर कसती है लेकिन उन्नाव केस ने उनके जुबा पर ताला क्यों लगा दिया, यही सवाल तो हम भी पूछना चाहते हैं, क्यों ताला लगा हुआ है अब तक। अनीता चौधरी ने एक लंबा सा मैसेज किया है जिसमें वो लिखती है, स्मृति ईरानी जी, क्या आपके दिल में भावनाओं की कोई जगह नहीं है, क्या आप एक महिला नहीं है, आपके अंदर की औरत क्या मर चुकी है, क्या आपके अंदर इंसानियत नहीं है, कि आपकी बेटी नहीं है, कि आप किसी की बेटी नहीं है, इसलिए नहीं बोल रही उन्नाव की बेटी के लिए क्योंकि कुलदीप सेंगर आपकी पार्टी का विधायक है, आप निर्भया कांड में सरेंडर लेकर धरने पर बैठी थी, अब क्यों नहीं, जब आप पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेज सकती हैं, तो उन्नाव की बेटी के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ, उसके परिवार को खत्म किया जा रहा है, कहां हो आप मैडम, स्मृति जी अब तक क्यों नहीं धरने पर बैठी हो, योगी मोदी को चूड़ियां क्यों नहीं भेजी, क्या उन्नाव की बेटी आपकी बेटी नहीं, यदि आप ये सब नहीं कर सकती तो एक काम कर दीजिए, अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, आप जनता की निगाह में अच्छी बनेंगी, ये सत्ता की भूख पैसा लोभ लालच सब आखिर में यहीं पर रह जाना है, कुछ भी नहीं साथ जाना है, सिर्फ कम कर्म साथ जाते हैं, इंसानियत के लिए अपने अंदर की मरी हुई आत्मा को जगाओ, उन्नाव की बेटी के साथ इंसाफ करो। बहुत बड़ी बात अनीता चौधरी ने, खूब सारे सवाल स्मृति ईरानी पर उठाए हैं, क्या आप किसी की बेटी नहीं है, आपकी कोई बेटी नहीं है, निर्भया कांड के वक्त आपका सरकार के प्रति गुस्सा निकलकर सामने आया था, उन्नाव कांड का छोटा लगता है स्मृति ईरानी को, ये सवाल अनीता चौधरी ने उठाया है। सुरेंद्र प्रसाद लिखते हैं, स्मृति ईरानी और मेनका गांधी बीजेपी की हैं, बलात्कारी बीजेपी का है, पीड़िता शायद पाकिस्तानी है इसलिए इन्हें उसका दर्द सुनाई नहीं देता। बलबीर सिंह लिखते हैं, भाजपा के सांसद मेनका गांधी, स्मृति ईरानी या अन्य को अपनी पार्टी की इजाजत के बिना कुछ भी बोलने की सख्त मनाही है, इन्हें केवल विपक्ष के खिलाफ जहर उगलने की इजाजत होती है, और इसी के साथ जनता की आवाज बेतराही, क्योंकि ये आवाज ही ऐसी है जो रोंगटे खड़े कर देगी, आवाज ही ऐसी है जो शर्मसार कर देगी, आवाज ही ऐसी है जो राजनीति का ऐसा रूप दिखा रही है जो देखना पड़ेगा शायद ही कभी किसी ने सोचा हो। फिलहाल जनता की आवाज में आज के लिए इतना ही, स्मृति ईरानी और मेनका गांधी सोशल मीडिया पर खूब क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं अपनी राजनीति को लेकर, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी राय क्या है, अपनी आवाज को दबाइए मत क्योंकि अब सिर्फ आपकी आवाज है जो देश की सियासत बदल सकती है। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए SPN 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें।